हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपको दिखाते हैं येलो बॉर्डर वाला स्नेक प्लांट। देखिए, तो इसके तो आप फायदे जान गए होंगे, इसको लगाने से क्या लाभ है। और इंडोर प्लांट है ये, और इसको किस तरह से पत्तियों से कटिंग करके लगाया जाता है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। तो इसको अगर आप, जैसे कि मैंने क्या बताया कि उस पत्तियों से आप कटिंग करके अगर आप लगाते हो तो आपका ग्रीन ग्रीन और स्नेक प्लांट आएंगे, ऐसे आएंगे। तो इस पत्तियों को आप कटिंग करके लगाएंगे तो आपको ग्रीन स्नेक प्लांट आएंगे, ठीक है। इसका भी लगाएंगे तो ग्रीन ही आएंगे, ठीक। लेकिन आपको अगर पत्तियों से कटिंग करके लगाना है तो आपको इसके डार्क कलर का पत्तियाँ चाहिए। देखिए, ऐसे ऐसे पत्तियाँ, ये इस पत्ती से नहीं लगेगा, ये गल जाएगा, ठीक है। एक पुराना पत्ती चाहिए, तो इसको आप कटिंग करके ऐसे ऐसे आप लगा सकते हैं, तो आपको इससे ग्रीन प्लांट आएंगे, ग्रीन स्नेक प्लांट। अगर आपको येल्लो चाहिए तो आपको येल्लो वाला स्नेक प्लांट लेना होगा। और इसी का पप्स देखिए, जैसे कि ये है, इसमें से इतने सारे आए हैं, आप देख रहे होंगे इतने सारे हैं। देखिए, एक एक यहाँ आ रहा है, इसे देखिए, है ना। तो आपको यहाँ से इसको कट करके, एक यहाँ से कट करके, यहाँ से ऐसे कट करके आप लगाएंगे तो एक से आपको आपके ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे येल्लो बॉर्डर वाले। अगर आप इसको पत्तियों से लगाएंगे तो आपका येल्लो नहीं आएगा, वो ग्रीन ही हो जाएगा आपका। तो आपको येल्लो अगर आपको चाहिए तो आपको इस तरह से लगाना होगा कट करके, ठीक है। तो मैंने ऐसे लगाया है और मैं इसको, ठीक है, आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसको ऐसे कट करेंगे, बहुत आसानी से कट जाता है ऐसे। इस तरह से आपके ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। देखिए, मैं इसमें लगाई हूँ इसको इस तरह से, तो इसमें से आपके फिर पप्स आएंगे अंदर से। इसका पानी सूख गया, इसमें ज़्यादा इसका केयर का ज़रूरत नहीं होता है, इसको तो जैसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें भी लगाई हुई ग्रीन वाला है, तो इसमें देखिए एक पप्स आ रहा है ना, तो इस तरह से आपके भी पप्स आएंगे। लेकिन अभी इसको तो मैंने अभी एक महीना पहले ग्रो किया है, तो इसमें पप्स आएगा धीरे 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 आएगा। इसमें पानी थोड़ा सूख गया है तो इसमें डाल देते हैं। इसको पानी डालने के बाद आपको एक महीना नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, ऐसा कोई इसमें नहीं है, इसका उतना देखभाल की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसको आप घर के अंदर कमरे में रख सकते हैं, बाहर नहीं भी निकालेंगे तो भी ये चलता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, तो इसको मैं अभी लगाऊंगी बड़े गमले में। इसकी पत्ती अगर ख़राब हो जाए तो इसको आप कटिंग करके हटा दीजिए, देखिए ऐसे, नहीं तो पौधा ख़राब कर देगा। फिर उसके बाद आप इसको इतने सारे प्लांट बना सकते हो। देखिए, अब इसको मेरे को इसको अच्छे से लगाना है, इसका पत्ती जो ख़राब हो रहा है सब, तो इसको मेरे को ठीक से करना है। इसको भी मैं इसको निकालूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए ऐसा, तो एक से बहुत सारे हो जाते हैं, देखिए, है ना। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें देखिए इतने सारे स्नेक प्लांट निकले हैं, देखिए इसमें से मैंने इतने सारे स्नेक प्लांट निकाल दिए हैं। इसको अलग गमले में फिर ऐसे ही इसको नॉर्मल मिट्टी में लगा लेंगे। देखिए कितने सारे हैं, देखिए यहाँ से इसमें से भी निकलेगा, और देखिए यहाँ पे ये निकल रहा है यहाँ से,
और यहाँ भी देखिए, तो इस तरह से एक से ढेर सारे हो जाते हैं। देखिए एक से मेरा कितने सारे हो गए, है ना। तो इसको हम दूसरे गमले में लगा लेंगे। तो हम आपको इसको लगा के दिखाते हैं। देखिए ये मेरे पास गमला है, मतलब गमला नहीं है, बकेट टूटा हुआ है, तो मैं अभी इसी में लगा देती, फिर बाद में लगाऊंगी। मेरे पास गमला नहीं है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल मिट्टी है, इसमें कोई खाद वाद उतना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और बाकी इस मिट्टी को आप देख लीजिए, साफ़ सुथरा मिट्टी होना चाहिए। और इसमें आप रेत मिला लें तो आपका ये जो प्लांट है अच्छे से इसमें मतलब एक ग्रो हो पाएगा। तो आप इस तरह से नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं, तो आप इसको ऐसे करके आप लगा सकते हैं। इस मिट्टी को थोड़ा निकाल देते हैं। कुछ भी नहीं करना इसको। आया तो आप इस तरह से इसको ऐसे एक पे एक लगा सकते हैं। देखिए मतलब इसमें उतना सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे लगाना है, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे ही रख दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने बढ़ जाएगा ये। फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए ऐसे। समझ गए होंगे आप इसको कैसे लगाना है, बहुत आसानी इसको लगाना। और इसमें आप 15 दिन 10 दिन में पानी डालिए, जैसा आपको ज़रूरत पड़े। तो उस तरह से गर्मी में आपको 1 सप्ताह 8 दिन में डालना पड़ेगा, इसमें पानी कम डालना पड़ता है। इसका आप देख लें मिट्टी सूख रहा है तो डालें, मिट्टी को देखना पड़ता है। तो अगर मिट्टी अगर 1 इंच सूखा है तो आप डाल दीजिए, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट खराब होने का डर रहता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। इस तरह से सारा मिट्टी से हम दबा देंगे, मेरा मिट्टी कम पड़ रहा है, और डाल देंगे बाद में। तो इस तरह से आप इसको लगा लें और ये फिर इसमें से बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। फिर जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप इसको निकाल के अलग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा लीजिए ऐसे, हो गया। इसमें हम पानी डाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि प्लांट अच्छे से लग गया है। देखिए कितना सारा हो गया, एक वहाँ उसमें से मैंने निकाल के इसमें इतने सारा बना दिया। आप भी ऐसे बना सकते हो। इसमें पानी डाल देंगे। इसको ऐसी छाया में छोड़ देंगे, इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता है। इंडोर प्लांट है तो आप इसको छाया साइड में ही रखें। आपके घर में धूप नहीं आता है जिधर, उस तरफ इसको आप रखें। तो इस तरह से आप एक से ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, कोई खाद का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अब बढ़ते रहते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। आप सब्सक्राइब करें मेरे से जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय।